मैं जबीन, वेलकम टू एक रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा, और इस मीठे को बनाना जितना आसान है, यू वोंट बिलीव कि इसका मज़ा उतना ही मज़ेदार है। इसको कहते हैं माकूती, और ये बिहार की बहुत मशहूर डिश है। खीर की तरह से ही बनती है, लेकिन इंग्रेडिएंट थोड़े से डिफरेंट है। तो चलें, आज आपको एक नई चीज़ सिखाते हैं, माकूती। तो माकूती बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही सिंपल हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मूंग की दाल ली थी, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। ये मैं अपनी देगची में डाल रही हूँ, और इसी में 1 टेबल स्पून बासमती राइस मैंने भिगो दिया था साथ ही साथ 2 घंटे पहले, वो भी मैं इसी के साथ मिला देंगी। अब इसको पानी डालकर इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल अच्छे से गल जाए, और पानी भी बहुत ज़्यादा ना हो एंड में। तो यहाँ पे मैं 1 कप पानी डालती हूँ, और इसको हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे, और इसको अच्छे से गलाना है। तो हमारे ये दाल और चावल 20 मिनट्स ऑलमोस्ट 20 मिनट से कुक हो रहे हैं, और अब ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। दाल बिल्कुल गल चुकी है और चावल भी बिल्कुल ब्रेक अपार्ट हो रहे हैं, और देखें आप, पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं है। तो इस कंडीशन में अब हमें इसको किसी चीज़ से स्मूश करना है। मुझे 20 मिनट्स लगे हैं इसको गलाने में, लेकिन अगर आप एक्सपेडाइट करना चाहते हैं प्रोसेस को, तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब मैं इसकी मदद से चूल्हा थोड़ा बंद करती हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको अच्छे से, जैसे कहते हैं ना, घोटना है मुझे, ताकि ये आपस में यकजान हो जाए। तो थोड़ा टाइम लगा कर हमने इसको अच्छे से घोट लेना है। साबित दाल ना रहे तो अच्छा है। देखें, ये अच्छे से बारीक हो गया है, यकजान हो गए। अब हमें इसमें दूध ऐड करना है, तो चूल्हा को ऑन करते हैं दोबारा से, और थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के ना, इसको एक साथ मिल्क नहीं डालना, वरना तो मुश्किल हो जाएगी, गुठली सी बन जाएगी। थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको मिक्सचर बनाना है स्मूथ, और फिर उसके बाद मोर मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 कप रेगुलर मिल्क लिया है। सही, अब हम और मिल्क ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप के करीब जो है मिल्क मैंने बचा लिया है अभी। अब हमें इसको खीर की तरह, जैसे खीर को गाढ़ा होने तक पकाते हैं, ऐसे हमने पकाना है। थोड़ी सा इलायची पाउडर खुशबू के लिए, फ्यू थ्रेड्स ऑफ साफ्रान, शुगर। राइट नाउ मैं 1/2 कप डाल रही हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं टेस्ट करने के बाद और शुगर मिलाऊंगी। तो मैंने जो रेस्ट ऑफ द मिल्क है वो भी इसमें मिला दिया है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप खोया। जैसे खीर की कंसिस्टेंसी होती है, वैसे ही इसकी भी होती है, और अभी मैंने इसको थोड़ा इतना रखा है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है। तो चलें फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं इसको, फाइनल लुक इसकी, और टेस्ट करके भी बताएंगे जनाब। तो हमारी माकूती, एक बोल आपके लिए और एक बोल मेरे लिए रेडी है, और ये अभी भी वार्म है, इसको बिल्कुल ठंडा करना है, तो ये और ज़्यादा अच्छे से जमेगी। और दूसरी बात मुझे ये बतानी थी कि मैंने 1/2 कप शुगर सिर्फ यूज़ किया है इसमें, जो भी मेरी मेजरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शुगर यूज़ कीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे पिस्टेशियो है क्रश हुआ हुआ, ये ऊपर से डालते हैं, थोड़ी सी सजावट करते हैं, और जनाब हमारी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है। चलें आप खा के बताएं, मुझे तो पता है कि ये कैसी है, और यकीनन मुझे पता है कि बहुत मज़े की है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, एंड आई डोंट सी एनी रीज़न व्हाई नॉट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहें।